Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about zeolite process या इसको हम permuted process भी कहते हैं. तो as we know कि zeolite process हमारा permanent hardness of water को remove करने के काम में आता है. Waste water treatment already channel पे uploaded है, इस पर full detail में video, तो आपको उसका link description box में मिल जाएगा. आज की इस video में हम देखेंगे what is zeolite, types of zeolite and advantages of and disadvantages of जियोलाइट प्रोसेस. सो फर्स्टली व्हाट आर जियोलाइट्स. तो जियोलाइट एक माइक्रोपोरस हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इन सब का. हेंस दे आर यूज्ड एज कटायन एक्सचेंजर्स फॉर वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस. हाइड्रो एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होते हैं सोडियम के, वो यूज होता है विच कैन रिवर्सिबली एक्सचेंज इट सोडियम आयन्स विद द कटायन्स प्रेजेंट इन द वाटर. दिस इज़ द इक्वेशन. अभी हम इसको पूरे डिटेल में इसका डायग्राम के थ्रू समझेंगे. टाइप्स ऑफ जियोलाइट हमारा होता है, दो टाइप का होता है, नेचुरल जियोलाइट्स एंड सिंथेटिक जियोलाइट्स. जो हमारा नेचुरल जियोलाइट्स है वो नॉन पोरस होता है एंड सिंथेटिक जियोलाइट जो होता है वो पोरस होता है एंड हैज़ हाई एक्सचेंज आयन एक्सचेंज कैपेसिटी. तो जियोलाइट प्रोसेस हमारा क्या होता है, ये आप यहाँ से देख रहे होंगे इस फिगर में कि यहाँ से रॉ वाटर अंदर जा रहा है, हार्ड वाटर अंदर जा रहा है. ये हार्ड वाटर जो होता है एनी सोर्स ऑफ वाटर विच कंटेन्स हार्डनेस इन दिस. सो ये रॉ वाटर हमारे यहाँ से अंदर जाएगा. यहाँ पे ये कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट है इसमें एंड ये हमारा बीच में Na इन सब का जियोलाइट बेड है. इट कंटेन्स एक्सचेंजेबल सोडियम आयन विद इट. सो पहले हमारे यहाँ से हार्ड वाटर आया, हार्ड वाटर में हमारा ये कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है. मतलब ये परमानेंट हार्डनेस को, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है एंड मैग्नीशियम सल्फेट है, इन्हीं की वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है वाटर के अंदर, तो वो उसमें प्रेजेंट है. ये वाटर यहाँ से जियोलाइट बेड पे आएगा. जियोलाइट बेड जो है इसमें हमारा सोडियम आयन प्रेजेंट होता है जो कि एक्सचेंजेबल होते हैं. उसके नीचे ग्रेवल का बेड होता है एंड जब ये कैल्शियम क्लोराइड एंड MgSO4 सोडियम के बेड से पास करता हुआ आता है तो ये हमारा जब आयन एक्सचेंज होते हैं इनके तो ये हमारा हो जाता है NaCl और Na2SO4 मीन्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. और यहाँ से जो हमारा पानी बाहर आता है इसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं. इसमें दिस कंटेंस सोडियम सॉल्ट्स. ये जो सॉफ्ट वाटर होता है दिस कंटेंस सोडियम सॉल्ट्स. यहाँ एक NaCl सॉल्यूशन है कंटेनर में फॉर रीजनरेशन. क्या यूज़ है इस NaCl सॉल्यूशन का, तो जो ये हमारा जियोलाइट बेड होता है वो यूज़ होते होते आफ्टर सम टाइम एग्जॉस्ट हो जाता है. तो तब NaCl सॉल्यूशन इस जियोलाइट बेड को एक्टिवेट करने के काम में आता है. तो ये हमारे कुछ रिएक्शंस हैं. Na2 इसमें हमने इस ये जियोलाइट है Zd, तो Na2Zd प्लस CaHCO32 ये हमारा चेंज हो जाएगा CaZe प्लस 2NaHCO3 में. सेकंड हमारा Na2Ze प्लस MgHCO32 ये हमारा चेंज हो जाएगा MgZe प्लस 2NaHCO3. तो परमानेंट हार्डनेस जो होते हैं क्लोराइड एंड सल्फेट्स इनका क्या है, Na2Ze प्लस CaCl2 और CaSO4 ये हमारा चेंज हो जाता है CaZe प्लस 2NaCl एंड हमारा Na2Ze प्लस MgCl2 चेंज हो जाता है MgZe प्लस 2NaCl. ये जो रीजेनरेशन है जो हमने अभी डायग्राम में देखा है यहाँ पे कि ये जो रीजेनरेशन होता है इसमें हमारा कॉन्सेंट्रेटेड, ये जो हमारा रीजेनरेशन कैसा होता है, इसके अंदर हमारा कॉन्सेंट्रेटेड NaCl प्रेजेंट होता है. तो रीजेनरेशन क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो जियोलाइट जो है हमारा वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है इंटू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जियोलाइट में एंड इट कीजेस टू सॉफ्टन वाटर. That is, it's get exhausted. At this, जब यहाँ पे ये exhausted जाता है तो इस stage पे जो supply of hard water है हम उसको stop कर देते हैं और जो exhausted हमारा zeolite bed है उसको हम reclaimed करते हैं by treating the bed with a concentrated 10% of brine solution. Brine solution is nothing but NaCl. NaCl ही हमारा brine solution होता है. तो हम 10% of brine solution से उसको दोबारा से zeolite bed को reclaim करते हैं. सो CaZe या इसमें हमारा कैल्शियम Zd हो चाहे MgZd हो, मतलब ये हमारा एग्जॉस्टेड जियोलाइट है प्लस 2NaCl. NaCl हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है, इसको हम जब ब्राइन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो ये हमारा रिक्लेम्ड जोन होता है. इसमें हमें क्या मिलता है, Na2Zd प्लस CaCl2 या अगर हमारा मैग्नीशियम है तो MgCl2.
ये हमारे वॉशिंग्स होते हैं। जो वॉशिंग्स हैं वो कंटेन करते हैं CaCl2 प्लस MgCl2, आर लेड टू ड्रेन एंड रीजेनरेटेड द जियोलाइट बेड। दस ऑप्टेंड इज इट ऑप्टेंड इज यूज अगेन फॉर सॉफ्टनिंग पर्पज। जियोलाइट प्रोसेस के क्या एडवांटेजेस हैं? ये रिमूव करता है हार्डनेस को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एंड वाटर जो होता है अबाउट 10 PPM हार्डनेस इज प्रोडक्टेड। सेकेंड, ये हमारा इक्विपमेंट जो होता है बहुत कॉम्पैक्ट होता है एंड ये बहुत कम स्पेस में आ जाता है। थर्ड, कोई इम्प्योरिटी जो होती है इसमें प्रेसिपिटेट नहीं होती, इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, कोई इम्प्योरिटी प्रेसिपिटेट नहीं होती है। सो कोई डेंजर नहीं है इसके अंदर स्लज फॉर्मेशन होने का ट्रीटेड वाटर में एट द लेटर स्टेज। फोर्थ, जो पर्पस जो प्रोसेस है वो हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है बाय इटसेल्फ फॉर वेरिएशन इन हार्डनेस ऑफ इनकमिंग वाटर। जितना हमारा इनकमिंग वाटर में हार्डनेस होगा ये प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। फिफ्थ, ये क्वाइट क्लीन है। सिक्स्थ, ये इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर सॉफ्टनिंग, बहुत कम टाइम लेता है और इसके लिए लेस स्किल फॉर मेंटेनेंस एंड एज वेल एज ऑपरेशन। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस। सो फर्स्ट इज क्या डिसएडवांटेजेस है इसमें, जो ट्रीटेड वाटर होता है उसके अंदर ज़्यादा सोडियम सॉल्ट्स होता है, लाइम सोडा प्रोसेस जो हमारा होता है उससे ज़्यादा हमारा ट्रीटेड वाटर में जो लाइम सोडा प्रोसेस होता है वो भी हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, वो आप लोगों को पता ही होगा। और जियोलाइट प्रोसेस में हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं, पर लाइम सोडा प्रोसेस में हमें इतना सोडियम सॉल्ट नहीं मिलता है ट्रीटेड वाटर में जितना कि हमें जियोलाइट प्रोसेस में देखने को मिलता है। सेकेंड, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये मेथड जो है ये सिर्फ रिप्लेस करता है कटायंस को, मीन्स Ca2+ एंड Mg2+ आयंस को, बट ये लीव मतलब सब छोड़ देता है सारे एसिडिक आयंस को लाइक HCO3- एंड CO3-2- एज इन द सॉफ्टेंड वाटर। तो जब ये सॉफ्टेंड वाटर जो है हमारा कंटेनिंग NaHCO3 एंड Na2CO3 वगैरह, ये अगर हम बॉयलर में यूज़ करते हैं फॉर स्टीम जनरेशन, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं CO2 विच कॉजेज कोरोजन एंड सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोलाइसिस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से कास्टिक ब्रिटलमेंट हो सकती है। नेक्स्ट इज हाई टर्बिडिटी वाटर जो है इसमें हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं एफिशिएंटली बाय दिस मेथड, बिकॉज फाइन इम्प्योरिटीज जो है वो डिपॉजिट हो जाती है जियोलाइट बेड पे, तो इसी वजह से हम हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर को इसमें हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अभी हमने एडवांटेज में इसके पढ़ा था कि इसमें प्रेसिपिटेशन बिल्कुल नहीं होता है ट्रीटेड वाटर में, तो आगे जाके हमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दैट्स वाई हम हाई टर्बिडिटी वाटर इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हाई टर्बिडिटी वाटर यूज़ करेंगे तो इसके अंदर फाइन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, हाई टर्बिडिटी मीन्स फाइन इम्प्योरिटीज इसमें बहुत ज़्यादा होगी जो कि डिपॉजिट हो जाएगी जियोलाइट बेड पे एंड ऑपरेशंस में हमें दिक्कत आएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट जियोलाइट प्रोसेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।